करनाल के गांव बलहेड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब 50 वर्षीय व्यक्ति को बाइक सवार दो युवकों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को 3 गोली मारी गई हैं। इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को गोली मारने का कारण कोई पुरानी रंजिश है। वही सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बताते चलें कि दो पक्षों में पुराना झगड़ा चला हुआ था। बुजुर्ग शादी समारोह में शरीक होने आए थे। शादी समारोह में निकलते ही उन्हें गोली मार दी गई। बुजुर्ग को गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, तब तक उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कौन आदमी थे, किसकी मौत? भाई साहब गांव में एक शादी थी और ये शादी में दावत खाने आ रहा था मासूक। ओके। और ये बेहतरी का प्रधान भी था जी, जिम्मेदारी आदमी था। ठीक है। 10-15 दिन पहले कोई उनका आपस में झगड़ा हुआ था, उन्हीं का ही जिन्होंने गोली मारी। हाँ, तो उसने बैठ के, वो उनके पास चलेगा, उनने बैठ के इनका फैसला भी करवा दिया, उसी के हक में फैसला करवा दिया, राजी हो गए दोनों पार्टी। कोई दिक्कत नहीं, कोई गिल्ला नहीं था, कोई सिकवा नहीं था जी, ना रंजिश थी जी। आज ये खाना खाकर निकले तो हेलमेट ओढ़ कर आए बाइक पे, तो वहाँ ये आदमी तो बहुत काफ़ी थे जी, लेकिन उसने 3 गोली मारी जी इनका मासूक को जी। कुछ बोले उन्होंने? कुछ बस नहीं जी, हम ठहके चले जी वहाँ से, अंगूरा लिया बस उनने, एक बार फरार हो गए जी। मैं फिर हमने फोन करे जी सारे ने, तो वहाँ हमारे एक पकड़ेगा जी मौके पे, पहचान लिए। हाँ जी, एक मौके पे पकड़ेगा जी। बात नहीं खुली भी, क्यों मार रहे तुम? ना जी, वो तो बस सच्चो बताओगे जी, हम तो इन्हें लेके आ गए थे जी। वो लोग पड़ोसी हैं? हाँ पड़ोसी हैं जी, ये एक ही बेदरी है जी, वहाँ मुसलमान शेख हैं जी। तो आपसी झगड़ा पहले चल रहा था, मतलब बस इसका तो आमने सामने कोई झगड़ा नहीं था। अगर 10 साल पहले तो चलो इनका चला था, लेकिन अब तो कोई झगड़ा ही नहीं था जी। फैसला जो आया था वो नहीं क्या में जी, जी जी फिर भी कहीं ना अंदर रंजिश रख रहे थे वो, बस जी अंदर तभी गोली मारी जी जी। मौके पे मौत हो गई। तो ये मासूक क्या काम करते हैं? ये वैसे तो मजदूर है जी, बस घोड़ी गाड़ी रखा जाए 5-4। अच्छा जी जी, जिम्मेदारी आदमी था जी। आप क्या चाहेंगे? हम तो चाहिए इंसाफ चाहिए जी। क्या नाम है जी? है जी, मेरा नाम वाजिद अली है जी। हत्या के मामले में क्या केस दर्ज किया गया और कितने लोगों के, क्या मामला था? देखिए, कल हमारे गरुंडा थाने के इलाका गांव बलेड़ा में मामा पुपी के आपस में भाई थे, भाई ने भाई को गोली मारी है और इसमें हमने 3 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नासकाब हम यहाँ जी एस करनाल में पोस्टमार्टम करा रहे हैं और इसके बाद तुरंत ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो मामला क्या था? कोई जमीनी विवाद था? कोई जमीनी विवाद नहीं था, आपस में रिश्तेदार थे, भाई थे और इनकी बस इसी बात पे कुछ दिन पहले कोई गांव में आपस में झगड़ा हुआ था और इसका इस मृतक ने उनका आपस में उस झगड़े में समझौता करा दिया था, तो ये उस बात से खफा था कि भैया इसकी भाई उस भैया हमारे फैसले क्यों कराता है, इस बात से खफा था। 3 के खिलाफ हत्या का मामला? 3 आदमी के खिलाफ पड़ता था। 302 में जी सर। 302 आज क्या कार्यवाही की जा रही है? हाँ जी, आज पोस्टमार्टम होगा। हाँ, लाश का पोस्टमार्टम करा रहे हैं और इसके बाद में गिरफ्तारी जल्दी होगी आरोपियों की? मुलजिम को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। कोई रंजिश नहीं है जी, मुझे नहीं पता। पता नहीं, नहीं फिर भी गोली लगी है, मर्डर हुआ, कौन थे लोग जो मारने वाले? गांव के हैं जी? गांव के ही हैं। कौन लोग हैं? पड़ोसी? हाँ जी। क्यों, कैसे आए? घर पर थे ये बाइक पे शादी में थे जी मेरे पिताजी। अच्छा। और ये भी वहीं आ गए थे शादी में, तो ये बाइक पे थे जी। मैंने भी खुद देखे, हेलमेट लगा रखा था इन्होंने दोनों ने। ठीक है जी। और जैसे ही वो घर की तरफ चले तो वो इधर को जा रहे थे और इन्होंने ऐसे आके सामने से ऐसे गोली मारी। कोई पुरानी उनसे लड़ाई झगड़ा चल रहा था? मुझे नहीं पता जी, अभी 4 दिन पहले उसके हक में फैसला किया था उसने, जमीन जिसने गोली मारी है। नहीं, जमीन का तो आपसी मसला था कोई घरेलू का जी, और उसी के हक में, अभी उसी के हक में फैसला किया था जी उसने। तो वो कौन लोग हैं? वो भी आपके उससे हैं जी, मामडन है जी, जी। अच्छा, तो कितने बजे की बात है ये? 3:30 बजे की। गांव में ही, घर के बाहर जी, जी। शादी किसकी थी, किसी और की? जी, हिंदू गुजरों में थी। हिंदू गुजरों में थी शादी, उसमें दोनों आए थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.